Hey everyone, welcome back to our Kiss Vivila. I hope you all are doing great. तो आज मैं बनाऊंगी गुजिया, होली स्पेशल गुजिया। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मैदा, आधा लीटर दूध और रिफाइंड ऑयल। तो आटा गूंथने के लिए हम इसको बड़े बर्तन में डाल लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये इस तरीके का नहीं हो जाता है। तो ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम गूँथ लेंगे दूध के साथ। आटे को हम दूध के साथ ही गूँथेंगे तो हमारा आटा गूँथ के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा पूरा हो गूँथ चुका है आटा। और इसको हम 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। और यहाँ पे मैं स्टफिंग के लिए लिए मैंने सूजी, यहाँ पे मैंने आधी कटोरी सूजी ली है। इसको हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसको उतार लेंगे। और ये मैंने लिया है 1 किलो मावा। सूजी ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने मावे को यहाँ पर हल्का सा गर्म कर लिया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स काट लिए थे, सभी ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें। और ये हमारी बूरा है, आधा किलो बूरा लिए मैंने। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सबसे पहले सूजी। सूजी के बाद हम ऐड करेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमने बारीक बारीक काटे थे। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारी बूरा। इसको भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। पहले थोड़ा डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे, फिर बाद में थोड़ा डाल के। देखिए मेरा बूरा अच्छे से मिक्स हो गई है। तो हम चलिए अब हम गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पूरी जितने साइज़ की मैंने यहाँ पर लोई ली थी, इसको अब मैं पूरी से थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। ये देखिए जितना हमारा गुजिया मोल पे आ जाए। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच स्टफिंग भरूँगी। इसको हम यहाँ पर मैं लगाऊंगी पानी और मैदे का घोल ताकि हमारी गुजिया खुले ना। इसको अच्छे से दबा देंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ आटा है वो हटा देंगे। तो ये देखिए हमारी गुजिया कितने अच्छे से परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए हम गुजिया सेकना स्टार्ट करते हैं। मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है, आप भी उसी तरीके से सेकें। तो यहाँ पर मैंने 4 गुजिया डालनी है सेकने के लिए। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। तो इसी तरीके से हम सभी गुजियों को सेक लेंगे। गुजियों को आप संभाल के सेकें। अगर आप हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो आपकी गुजियाँ जल भी सकती हैं। तो देखिए हमारी सारी गुजियाँ तैयार हो चुकी हैं।